हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड में यूके पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 455 करीबन पोस्ट थी, उसके रिगार्डिंग यहां पर देखते हैं। शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया है जिसमें यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर में लिखित परीक्षा यानी कि एपे हटाने और लिखित परीक्षा के माध्यम से 90% लिखित परीक्षा साक्षात्कार, 10% जो है यहाँ पर नियमावली प्रणाली को अपनाई जाने के संबंध में। तो यहाँ पर अब कहा गया है कि 90% जो लिखित परीक्षा होंगी उसके आधार पर, साथ ही 10% इंटरव्यू के आधार पर पारदर्शी तरीके से यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया किया जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिया गया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एपीआई के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें राज्य के नेट सेट जो पीएचडी पास छात्र हैं उनकी प्रोफेसर बनने की जो यहाँ पर सीधी बाहर हो रहे हैं ऐसा बताया गया है, और अन्य राज्यों के कैंडिडेट को मौका ज़्यादा दिया जा रहा है, और इसी की बेस पर एपीआई स्कोर मेरिट को वरीयता दे रही है सरकार जो वर्तमान समय में, उसको हटाने की बात करी गई है, और इसी वजह से लिखित परीक्षा में यहाँ पर इनको वरीयता दी जाए, साथ ही इंटरव्यू लिया जाए, इसको लेकर अनुरोध किया गया है। जिसमें यहाँ पर अतः अनुरोध करना है कि आगामी जो प्रोफेसर भर्ती है उसमें चयन प्रक्रिया जो होगी एपीआई व्यवस्था के स्थान पर पूर्व की प्रक्रिया संशोधित कर लिखित परीक्षा 90% और साक्षात्कार 10% जो है विश्वसनीय और पारदर्शिता प्रक्रिया के आधार पर चयन प्रक्रिया जो है संपन्न कराने जाने की कृपा करें। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आनी है, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 455 करीबन एपीआई स्कोर के आधार से रिजल्ट कब का हो चुका जा रही है उसका, इंटरव्यू इंटरव्यू बचे में यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो चुका है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो भी आगे, और इसी वजह से यहाँ पर चाहते हैं कि एपीआई स्कोर समाप्त हो लिखित परीक्षा और यहाँ पर जो इंटरव्यू है उसके आधार पर हो। इसके लिए शिक्षा मंत्री को यहाँ पर यह ज्ञापन दिया गया है, आप लोग देखते हैं और मंत्री ने जो है कार्यालय में साइन इन भी कर रखे हैं, इसके लिए यहाँ पर दिया गया है। देखते हैं चेंज होता है नहीं होता है, लगातार इसकी मांग चली हुई है, कैंडिडेट चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से और यहाँ पर लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन हो, लेकिन एपीएस को बहुत ही बेकार सिस्टम बताया जा रहा है जो कि लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अभी तक जो है व्यवस्था नहीं हुई है लिखित परीक्षा की, और इसी वजह से लगातार कैंडिडेट चाह रहे कि लिखित परीक्षा हो और उसके आधार पर ही जो है चयन प्रक्रिया आगे बढ़े।